सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक स्कूल की छात्रा अपनी दादी को ओल्ड एज होम में देखकर फफक पड़ती है। इस तस्वीर में के वायरल होने के बाद तेजी से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आम जनता, राजनेता और सेलिब्रिटी भारतीय पारिवारिक मूल्यों में गिरावट पर चर्चा करते दिखे। वहीं इस बहस के ठीक उलट मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब तस्वीर में दिख रही लड़की और दादी ने ऐसी बात को सिरे से खारिज कर दिया। दादी पोते की वायरल हुई इमोशनल फोटो, तस्वीर में नजर आ रही लड़की का नाम भक्ति पांचाल त्रिवेदी है और अब उनकी शादी हो चुकी है। यही नहीं, उनकी एक बेटी भी है। भक्ति अपने परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पीड़ा पहुंचाने वाले कमेंट्स की बाढ़ से हैरान हैं। यहां तक कि उनकी 80 साल की दादी दमयंती पांचाल ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि ओल्ड एज होम में रहने का फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था। सोशल मीडिया पर 11 साल पुरानी ये फोटो वायरल हो रही थी। भक्ति पांचाल ने कहा है कि मैं उन कमेंट से दुखी हूं जिन्होंने लोगों के बीच मेरे माता पिता की गलत छवि पेश की है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूं और ना तो उन्होंने कभी मेरी माँ को पीड़ा पहुंचाई, ना ही मेरी माँ की तरफ से ऐसा कुछ किया गया। दमयंती ने बताया कि मेरे पति की मौत के बाद मैं वो नहीं कर पा रही थी जो करना चाहती थी। अपनी उम्र के लोगों के साथ रहने का फैसला मेरा था। मैं अपने 50 लोगों के मजबूत ग्रुप के साथ बहुत खुश हूँ। और सडनली देखा उनको कि दादी यहाँ पे है, तो अभी मैं बहुत इमोशनल नेचर की हूँ तो मेरा रोना ही स्टार्ट हो गया था। और फिर दादी के पास जाके बैठी, तभी भी रो रही थी। बहुत सारे लोग हमें देखे और लोग भी रो रहे थे, स्कूल स्टूडेंट्स, कल्पित भाई खुद रो रहे थे, फोटोग्राफर जो थे वो, एंड ऑल सब हुआ था। पर अब 11 साल बाद फिर से ये फोटो वायरल हुआ है। फोटो वायरल हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो हमारी ही है और वो भी सच है कि रोती हुई फोटो है। पर वो एक इमोशनल बॉन्डिंग था कि आपको नहीं आना चाहिए था पर आप आए, पर वो आए हैं, वो मर्जी से आए हैं, किसी ने निकाल नहीं दिया है या कोई छोड़ नहीं गया है, मर्जी से आए हैं। तो फिर उनका भी थोड़ा ध्यान में रखा, उनकी जो इच्छा थी, खुशी थी, उसको हमने ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि लोगों की बातों पर। और सोशल मीडिया जो बातें कर रही है कि छोड़ आए, शेम ऑन यू, ऐसा सब बोल रहे हैं, तो मुझे बोलना चाहूँगी मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरी दादी यहाँ आश्रम में रहती है, उससे मैं मिलने आती हूँ, पूरा परिवार मिलने आता है, दादी भी घर पे आती है और जो आजू बाजू के लोग हैं उन्हें भी पता है कि दादी आश्रम में रह रही है, तो आश्रम कोई गलत चीज़ भी नहीं है। मेरे को आपसे बात करनी है और मैं आती हूँ आपको लेने के लिए। किस लिए मेरे को ले जाने का? मेरे घर रहने को। मैं बोला आपके घर मैं क्यों आऊँ? मेरे घर से मेरे को निकाल नहीं दिया। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और सब की पूरा अच्छा है। तो आप अच्छा है, भगवान का नाम लेने का पूरा टाइम सब अच्छे तरह से रहने का। मैं बोला यहाँ रहने का क्या, कोई घर वालों को बोला वो ठीक है, मेरी मर्जी है, मुझको अच्छा लगता है तो ठीक है। पूरे